मुंगेर रेंज के डीआईजी मनु महाराज रेंज के विभिन्न जिलों से प्राप्त हो रही बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत पर काफी संजीदा दिखे। अपने कार्यालय परिसर में आयोजित जनता दरबार में प्रमंडल के विभिन्न जिलों से पहुंचे फरियादियों से मिल रहे थे। इसी क्रम में बेगूसराय जिले के मुफसिल थाना अंतर्गत बसपुरा गाँव निवासी कृष्ण कुमार मिश्र ने उन्हें अपने बेटे आयुष कुमार की गुमशुदगी के बारे में शिकायत की। वहीं मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के गरीब लाल शाह ने उनसे गुहार लगाई कि पिछले 28 को उनका पोता मोहित कुमार गायब है, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बताया जाता है कि नामजद आरोपियों के साथ उनका जमीनी विवाद है। मुंगेर से सनमार्ग टीम की रिपोर्ट। इस चार को बच्चा वहाँ से 12:15 बजे घर से निकला। 12:59 में एक शिव मंदिर है, 11:59 वहाँ देखा गया, इसके बाद बच्चा को नहीं दिखा गया। कितने दिन हो गया पूछ के? ईद हो गया 22 रोज हो गया। किसी से कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं है सर, कमाते हैं खाते हैं। क्या काम करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, अपना तो अभी तक किनके किनके पास गए हैं अपने बच्चों को? थाना में गए, एसपी साहब के पास गए, डीएसपी साहब के पास गए, डीएम साहब के पास, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिला। 28 मार्च से बच्चा हमारा लापता हो गया। हम लोग बहुत कोशिश की, थाने में रिपोर्ट दिए, थाने वाला भी कुछ नहीं सुन रहा है, परेशान है। FIR भी दर्ज किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बार बार बोलता है हम अपनी तरफ से छानबीन कर रहे हैं। फिर हम DSP साहब के पास भी गए, वहाँ भी FIR भी दिए, बस जिसके जिसका नाम था वो भी दिए उसको सर, लेकिन वो भी नहीं सुना। RDI सर के पास आए सर, जो जिसके हम नाम पर केस दिए हैं, वो आके हम लोग 5-6 आदमी मिल के आके हमको धमकी दिया है कि जो केस दिए हो तो उसको उठा लो, नहीं तो बच्चे का भी लापता हम कर देंगे, बच्चे तुम हाथ धो के बैठे। इसलिए हम DI सर के पास आए कि सर हाँ कृपा करके हमारे बच्चे को ऐसा ऐसा बात बोल रहा है, हमारे बच्चे को जिंदा हमको मिला दीजिए। कौन धमकी दिया? ये जिसका नाम, जो हमारे बच्चे को किडनैप किया है, इसका नाम है वीरेंद्र महतो, जिसका घर है चायटोला हम जब कि सर हमारा थाना भी नहीं सुन रहा है, FIR भी दिए हैं, उसका नाम भी दिए हैं सर, अभी तक थाना भी कोई नहीं सुन रहा। आज सर 1.5 महीना सुपर हो गया सर, 2 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ कहीं कोई तरह का, थाना जाते हैं बोलता है यहाँ कुछ नहीं, SP साहब के पास जाते हैं वो भी हमको डांट भगा देता है, जाइए यहाँ कुछ नहीं। मुफस्सिल थाना का बढ़िया का 2 मामले ऐसे आए हैं जिसमें बच्चे गायब हैं, उसी तरह कासिम बाजार का एक मामला है, ऐसे 3-4 मामले आए हैं। सभी संबंधित SP को निर्देश दिया गया है कि उसमें एक सक्रिय टीम का गठन किया जाए और जल्द से जल्द उन बच्चों की बरामदगी की जाए। हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं और जहाँ कहीं भी वो बच्चे होंगे उनको सकुशल बरामद करने में हमारा पूरा प्रयास है। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।